भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों अपने खराब दौर से गुजर रहे हैं। विराट कोहली अपनी उस लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। इस साल भी विराट कोहली का बल्ला कई मौकों पर खामोश रहा है, जहां बल्लेबाज ने तीनों ही प्रारूपों में निराश करके दिखाया है। विराट कोहली इस साल खेली गई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ लिमिटेड सीरीज, कोहली का संघर्ष हर सीरीज में जारी रहा है। वहीं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बाबर आजम साल 2022 में गजब की फॉर्म में दिखाई दिए हैं। बाबर आजम ने इस साल चाहे टेस्ट हो, वनडे या फिर T20 ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने इस साल रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर दोनों बल्लेबाजों के इस साल के आंकड़े पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि बाबर आजम ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12 पारियां खेलते हुए 913 रन लगाए हैं। इस दौरान बल्लेबाज का औसत 83 का रहा है। बाबर आजम ने इस साल 4 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 196 रहा है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथी पारी में लगाया था। वहीं अगर विराट कोहली के आंकड़ों पर नजर मारी जाए तो विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस साल 13 पारियां खेली हैं, जहां उन्होंने 400 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट कोहली का औसत 30.76 का रहा है। विराट कोहली ने इस साल 4 अर्धशतक लगाए हैं, जहां उनका सर्वाधिक स्कोर 79 रहा है, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगाया था। अब इस साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची देखें तो इस सूची में जहां बाबर आजम नंबर 3 पर हैं, तो वहीं विराट कोहली सूची में 58वें पायदान पर हैं। ये बताता है कि विराट कोहली की चमक इतनी कम हो गई है तो वो टॉप 10 में भी अपना नाम नहीं शुमार कर पाए हैं। लेकिन अब विराट कोहली के पास ये मौका है कि वो आगामी इंग्लैंड सीरीज पर अपनी खोई फॉर्म एक बार फिर से पा ले। जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर एक टेस्ट और 3-3 T20 और वनडे सीरीज खेलनी है। विराट कोहली के पास ये अच्छा मौका है कि वो इस सीरीज पर अपने रनों के आंकड़े को बेहतर करे। अगर इस सीरीज में तीनों ही प्रारूपों को मिलाकर 514 रन बना देते हैं तो वो इस मामले में बाबर आजम को पछाड़ते हुए नंबर 3 के पायदान पर भी आ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।